इंदौर में गुरुवार दोपहर को सिमरौल थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक यात्री बस अनियंत्रित होकर करीब 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 25 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बस में करीब 50 से 60 यात्री मौजूद थे। हादसे का कारण ओवरटेक करना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार हुई इंदौर से खंडवा जा रही थी सिमरौल थाना क्षेत्र के भैरव घाट पर अनियंत्रित हो गई, जिसमें असंतुलित होने के कारण बस पलट गई और 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। मौके पर बस के दबे यात्रियों को निकालने का कार्य देर रात तक चलता रहा। घटना की जानकारी लगते ही तत्काल 108 एम्बुलेंस सहित पुलिस मौके पर पहुंच गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को इंदौर MY अस्पताल में रेफर किया गया है। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। ओवरटेकिंग की है बस ड्राइवर ने, ओवरटेकिंग में वो इस पुलिया पे टर्न हुई है, पलटी खाई है और फिर नीचे लगभग 20 फुट नीचे गिरी है बस में, और लगभग 40 करीब 40 करीब सर कुछ कैजुअलिटी भी सामने आई है जो यहाँ पर उपस्थित लोगों का, 5 लोगों को ऐसा लग रहा है कि 5 सर अभी अस्पताल में जाकर के लिए सर लगातार इस क्षेत्र में अंधगति से वाहन चलते और कई बार भीषण हादसे होते हैं, बस कई बार दुर्घटना होती थी। कुछ दिनों पूर्व भी ऐसे ही एक हादसा सामने आया था जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई थी, जल के मरने वालों की भी मौत हुई थी। तो अब इस पर किस तरह से एक्शन लिया है? बीच में सर जी बस उन्होंने उसको बुला के समझाया गया था, अभी कई दिन पिछले 15-20 दिन पहले की बात नहीं हुई थी, बैठक नहीं हुई थी, और इसमें सबको समझाया गया था कि एक व्यक्ति की चलाते हैं बस ड्राइवर, इसलिए टाइमिंग के लिए रहते हैं उनके आपस में करते हैं, सर जी लोग बड़ी गलतियाँ करते हैं, इसीलिए गुलाब बस आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।